दोस्तों जोमैटो ने आरबीएल बैंक के साथ मिलकर के एक नया कार्ड लॉन्च किया है जिसका नाम है एडिशन क्रेडिट कार्ड। जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कार्ड का डिजाइन भी अच्छा है, तो आज हम इसी कार्ड के बारे में बात करेंगे। सुरेश नमस्कार दोस्तों, एक बार आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है क्रेडिट एक्सप्लोरर चैनल पे। एंड टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आरबीएल जोमैटो एडिशन क्रेडिट कार्ड। तो जो कार्ड है आरबीएल का आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने खोला हुआ है स्क्रीन पर, इसका वेब पेज खोला हुआ है ऑफिशियल पेज, इसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके वहां से खुद भी चेक कर सकते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा ये कार्ड हर किसी को नहीं मिल रहा है, सिर्फ इन्वाइट बेसिस पे, जो कि सिर्फ जोमैटो ऐप के थ्रू ही डाउनलोड हो सकता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ओनली फ्री एप्लीकेंट्स को मिल रहा है और जोमैटो ऐप पे आपको प्री अप्रूव देखने को मिल जाएगा। आप इसके लिए खुद से जाके अप्लाई नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप जोमैटो ऐप रखते हैं अपने फोन में या फिर अभी चेक करना चाहते हैं इंस्टॉल करके चेक कर लीजिए, अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, मे बी अगर आपके लिए अवेलेबल हो तो आप अप्लाई कर सकते हैं। इसमें आपको रिवॉर्ड्स अच्छे खासे देखने को मिल जाते हैं, हालांकि ज्वाइनिंग फीस बहुत ही कॉस्टली है, एनुअल फी भी बहुत कॉस्टली है, बट आपको इसके अंदर बेनिफिट अच्छे खासे देखने को मिलते हैं। चलिए बात करते हैं इस कार्ड के बारे में। आरबीएल बैंक प्लस जोमैटो के मिलकर के बनाया है, एंड आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके अंदर जो आपको बेनिफिट एक अच्छा देखने को मिलता है दैट इज जोमैटो का प्रो प्लस मेंबरशिप आपको फ्री में देखने को मिल जाएगा। ये जोमैटो प्रो से अलग होता है, जोमैटो प्रो में आपको लिमिटेड बेनिफिट्स मिलते हैं, ये जोमैटो प्रो प्लस मेंबरशिप देते हैं कंप्लीटली फ्री मिल रही है, जो कि एक अच्छी चीज। प्लस 10% वैल्यू बैक मिल रहा है, आप कहीं पे भी किसी भी रेस्टोरेंट पे डाइन करते हैं तो वहां पर। आगे आपको उसके बारे में फुल डिटेल्स देंगे, डोंट वरी। इसके जितने भी ऑफर्स है पूरे इंडिया भर में वैलिड है, तो ये एक चीज बहुत अच्छी है। और यहाँ पे आपको कॉम्प्लीमेंट्री एनुअल सब्सक्रिप्शन मिलता है जोमैटो प्रो प्लस का, जो हर साल अपने आप रिन्यू हो जाएगा। आप यहाँ पे देख सकते हैं इट गेट्स रिन्यूड ऑटोमेटिकली एवरी ईयर। तो इसमें जैसे आप इसका पे करेंगे एनुअल फीस, आपके पास जोमैटो प्रो प्लस का सब्सक्रिप्शन जब तक रहेगा जब तक ये कार्ड आपके पास अनेबल्ड है और आप इस कार्ड को यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे आपको जो कैशबैक देखने को मिलता है वो बहुत ही अच्छी है, मतलब यहाँ पे जैसे इस कैशबैक को कहते हैं एडिशन कैश, तो यहाँ पे जो आपको कैशबैक है हर चीजों पे मिलता है, लगभग जो भी आप स्पेंड करते हैं सभी जगह आपको मिलता है। जैसे अगर आप जोमैटो पे कोई परचेस करते हैं 10 एडिशन कैश मिलता है, मतलब 10 रुपीज, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं 1 एडिशन कैश इज इक्वल्स टू 1 रुपीज, बट दिक्कत ये कि सिर्फ आप जोमैटो पे रिडीम कर सकते हैं इसको, फिर भी 10% का कैशबैक इज गुड। तो ये 10% का कैशबैक सीधे आपको जोमैटो पे मिलता है। अगर आप जोमैटो से खाना ज्यादा मंगाते हैं या उसके शौकीन है, देन एब्सोल्युटली दिस कार्ड इज फॉर यू। बहुत ही बढ़िया ऑफर मिलता है आपको इसमें, और 2 एडिशन पॉइंट्स आपको देखने को मिल जाते हैं अगर आप अदर देन जोमैटो कहीं पे यूज करते हैं, लाइक स्विगी हो गया, इट्श्योर हो गया, और भी बहुत सारे जो एप्लीकेशन है उन पे अगर यूज करते हैं तो आपको 2 एडिशन पॉइंट मतलब 2% का कैशबैक मिलता है। तो ये भी एक अच्छी चीज है। अगर आप और कहीं पे भी स्पेंड करते हैं देन आपको 1 एडिशन कैश मतलब 1% का कैशबैक मिलता है, जो कि बहुत अच्छा नहीं है बट ठीक है, फेयरली गुड है। वन मोर थिंग, अगर आप अपने बर्थडे पर कोई भी अमाउंट स्पेंड करते हैं देन यू गेट 10 एडिशन कैश हर 100 रुपए स्पेंड करने पर। एंड बोनस एडिशन कैश, अगर आपने 5 लाख रुपीज अचीव कर लिए एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर, देन आपको 2000 रुपीज यानी कि फिर 2000 एडिशन कैश देखने को मिल जाता है। तो ये एक अच्छी चीज है, हालांकि ये जो आपको मिल रहा है बहुत ही कम है एक्चुअली बताऊं तो। दूसरे कार्ड्स में आपको कई जगह, जैसे मेरे पास सिंपली कार्ड है तो उस पर 1 लाख अचीव करते हैं आपको 2000 रुपीज का वाउचर मिलता है, आप जिस भी ब्रांड का चाहें उसका, तो वो ज्यादा अच्छा है। यहाँ पे इन्होंने कुछ ज्यादा ही कॉस्टली कर दिया, यहाँ ऊपर से आपको दे भी रहे एडिशन कैश, बैक वाउचर नहीं दे रहे या कुछ ऐसा नहीं दे रहे, एडिशन कैश। तो ये कुछ ज्यादा खास नहीं है, बट ऑब्वियसली अगर आपके पास ये कार्ड है या आप लेना चाहते हैं, जोमैटो ज्यादा यूज करते हैं, देन इट्स एब्सोल्युटली बेनिफिशियल फॉर यू। हर महीने एक टिकट आपको फ्री मिल जाएगा, मतलब बाय वन गेट वन वाला सिस्टम है। अगर आप बुक माई शो से टिकट बुक करते हैं तो आपको एक एक्स्ट्रा टिकट फ्री ऑफ कॉस्ट देखने को मिल जाता है। एक बहुत ही शानदार अच्छी चीज देखने को मिल जाती है इस कार्ड के अंदर, डोमेस्टिक लाउंज एक्सेस प्लस इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस। डोमेस्टिक तो आपको लगभग बहुत सारे कार्ड्स में मिल जाती है, बट इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस आपको कम कार्ड्स में मिलती है, और ये चीज अच्छी है इस कार्ड की बात। अगर आप इंटरनेशनली भी ट्रेवल करते हैं देन इट्स अ गुड थिंग फॉर यू। सो डोमेस्टिक आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री पर कैलेंडर क्वार्टर, मतलब हर 3 महीने पे आपको 2 कॉम्प्लीमेंट्री डोमेस्टिक एयरपोर्ट वाले मिल जाएंगे, एंड 2 इंटरनेशनल मिल जाएगा आपको पर ईयर, बट ये साल में सिर्फ 2 मिलेंगे इंटरनेशनल लाउंज एक्सेस, एंड डोमेस्टिक वाला पर क्वार्टर में 2 मिलेंगे। हालांकि कुछ ज्यादा यूज होने वाला नहीं इंटरनेशनल वाला तो, एटलीस्ट क्योंकि ट्रैवलिंग ऑलमोस्ट रेस्ट्रिक्टेड ही है, तो बहुत ज्यादा अभी तो यूज नहीं कर सकते, मे बी इन फ्यूचर आपके लिए बहुत बेनिफिशियल हो अगर आप अब्रॉड ट्रैवल करते हैं ठीक ठाक। तो इंटरनेशनल परचेस करने पे इसमें एक अच्छी चीज है कि आपको फॉरेक्स मार्क का फी जो है 1.5% लगेगा, जो कि जनरली आपको 3.5% चार्ज करते हैं बाकी जो भी कार्ड्स वाले, चाहे डेबिट कार्ड हो या क्रेडिट कार्ड हो, बट यहाँ आपको 1.5% मिलता है। तो ये एक अच्छी चीज है, अगर आप इंटरनेशनली भी इस कार्ड को यूज करते हैं तो थोड़ा बेनिफिट आपको मिलता है। और जैसे कि मैंने आपको बताया एडिशन कैश की एक लिमिटेशन यही है कि कैशबैक तो आपको अच्छा मिल रहा है जगह जगह पर, बट ये दिक्कत है कि आप उन एडिशन कैश को सिर्फ यूज कर सकते हैं जोमैटो पर।
तो जोमैटो पे ही यूज होगा आपका, जो भी कैशबैक आया उसको आप डायरेक्टली स्टेटमेंट में रिडीम नहीं कर सकते या कोई वाउचर नहीं ले सकते, तो ये एक लिमिटेशन इस चीज की। बट फिर से यही बात है, अगर आप जोमैटो ज्यादा यूज करते हैं तो आपके लिए यूजफुल है, नॉर्मल पर्सन के लिए शायद उतना यूजफुल ना हो। इंडिया इतना एडवांस नहीं हुआ कि हर कोई हर वक्त खाना मंगा के ऑनलाइन ही खाता हो। एंड इस कार्ड के फीस एंड चार्जेस की बात करें तो 1499 प्लस जीएसटी, मतलब 1499 प्लस जीएसटी आपको देना पड़ेगा एवरी ईयर। और इसको वेव ऑफ कराने के लिए आपको एक साल के अंदर, मतलब 250,000 स्पेंड कर दिया देन आपका जो फीस वेव ऑफ हो जाएगा। ये भी एक्चुअली बहुत ज्यादा है जो क्राइटेरिया रखा गया है, मतलब इसको देख करके ये लगता है कि ये नॉर्मल पीपल्स के लिए नहीं बनाया गया है, ये जो उन लोगों के लिए है जो थोड़ा हाई एंड खर्चा करते हैं, जिनकी इनकम अच्छी खासी होती है, जो एक्स्ट्रा खर्च करते हैं स्पेशली ऑन जोमैटो, क्योंकि ये 1499 प्लस जीएसटी नॉर्मल कार्ड आप इतना पे भी नहीं करते हैं। प्लस 250,000 अचीव करना ऑन अ सिंगल दिस क्रेडिट कार्ड, जो कि आपको अदर देन जोमैटो कुछ ज्यादा खास ऑफर बेनिफिट देता नहीं है। बट फाइनली फिर यही बात निकल के आती है कि जोमैटो लवर्स अगर कोई है जो बहुत एक्सट्रीम लेवल पे जोमैटो को यूज करते हैं देन दिस इज बेनिफिशियल फॉर यू, एल्स कुछ खास कार्ड नहीं है। इससे अच्छा सिंपली क्लिक कार्ड ले लीजिए, एसबीआई का बहुत ज्यादा बेटर है, एक्सिस एस है वो बहुत ज्यादा बेटर है, और भी बहुत सारे कार्ड्स हैं वो अच्छे हैं। ये कार्ड मुझे बिल्कुल बस ठीक ठाक सा लगा, एवरेज कार्ड लगा। अगर आप जोमैटो बहुत ज्यादा यूज नहीं करते तो एब्सोल्युटली आपके लिए नुकसानदायक है, उल्टा प्रॉफिट तो कुछ ज्यादा खास नहीं है। तो ये इस कार्ड की बात, बट इस कार्ड का डिजाइन एंड लुक मुझे अच्छा लगा एंड देखते हैं आता है जब मार्केट में सबके लिए अवेलेबल होता है तो कैसा होता है। मोस्ट प्रोबेबली मैं भी अप्लाई करूं, हालांकि मैं बिल्कुल यूज तो करता नहीं हूं जोमैटो, बट फिर भी मे बी इन फ्यूचर कभी यूज करें। सो दैट्स ऑल अबाउट दिस वीडियो, आई होप आई एम क्लियर अबाउट दिस। एंड फिर भी अगर कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए एंड आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। थैंक यू वॉचिंग दिस वन, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन।